राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पाकिस्तान से चलने वाले आतंकी संगठनों ने अपना निशाना बनाने की तैयारी कर ली थी। जैशे मोहम्मद के एक गिरफ्तार आतंकी ने बताया कि उसने पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर डोभाल के ऑफिस की रेकी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस आतंकी ने न केवल सरदार पटेल भवन बल्कि दिल्ली की और भी कई अहम जगहों की वीडियो रेकी की। पूछताछ में ये बात पता चलने के बाद डोभाल के ऑफिस और घर का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। जैश का ये ऑपरेटिव 6 फरवरी को दक्षिणी कश्मीर के शोपियां से गिरफ्तार किया गया था। उसने डोभाल के ऑफिस की वीडियो रेकी की बात पूछताछ के दौरान बताई। जम्मू और कश्मीर पुलिस से पूछताछ में उसने ये भी बताया कि उसने 2019 में सांबा सेक्टर बॉर्डर इलाके का मुआयना भी किया था। तब उसके साथ समीर अहमद डार भी था, जिसे इसी साल 21 जनवरी को 2019 पुलवामा आतंकी हमले में संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार मलिक ने मई 2020 में आत्मघाती हमले के लिए हुंडई सेंट्रो कार उपलब्ध कराई थी। पूछताछ में ये भी कबूला कि उसने जैश के 3 और आतंकियों इरफान ठोकर, उमर मुश्तका और रईस मुस्तफ़ा के साथ मिलकर नवंबर 2020 में शोपियां में JNK बैंक की कैश वैन को लूटा था। मलिक ने पाकिस्तान में अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम, कोड नेम और फ़ोन नंबर्स भी बताए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मलिक ने पूछताछ में अपने बैकग्राउंड के बारे में विस्तार से बताया। वो 31 जुलाई 2019 को हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। उससे पहले जैश के ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम करता था। फरवरी 2020 में जैश का हिस्सा बना और उसी साल अगस्त में अपना संगठन बना लिया। हालांकि इस मामले में एक FIR भी दर्ज कराई गई है। जम्मू के गांग्याल पुलिस स्टेशन में मलिक के खिलाफ UAP की धारा 18 और 20 के तहत केस दर्ज किया गया है। मलिक को जैश के फ्रंट ग्रुप लश्कर ए मुस्तफ़ा का प्रमुख बताया जा रहा है। अनंतनाग से मलिक को गिरफ्तार किया गया था। मलिक के पास हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर में दोबारा आतंक फैलाने की साजिश में जुटे हुए हैं। खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को बताया कि जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी लश्कर जैश हिजबुल मुजाहिदीन को भारी फंड मुहैया कराने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के जरिए दुबई तुर्की के रास्ते फंडिंग मुहैया कराई जा रही है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अलगाववाद पार्ट 2 शुरू करने की साजिश की जा रही है। जकात, मोदा, बैतुल माल, विदेशों से आई चैरिटी, हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर ISI दुबई तुर्की और दूसरे रास्तों से फंडिंग मुहैया कराई जा रही है। 370 हटने के बाद आतंकवाद और पत्थरबाजी में कमी आई है। जमात इस्लामी ने नए अलगाववादियों और आतंकियों की नई भर्ती के लिए सीक्रेट मीटिंग भी की है। बता दें कि 370 हटने बाद अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर रेकी के लिए गए थे। बता दें कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स और उसके बाद 2019 की बालाकोट स्ट्राइक्स के चलते डोभाल लगातार पाकिस्तानी आतंकियों की हिट लिस्ट में रहे हैं। मलिक ने पूछताछ में बताया कि वो 24 मई 2019 को श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइट्स लेकर आया था। यहां उसने NSA के ऑफिस का वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर इसे पाकिस्तानी हैंडलर्स को व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया। न्यूज़ टेक ब्यूरो।